सुकेश चंद्रशेखर ठगी केस में एक के बाद एक बी टाउन की एक्ट्रेसेस का नाम जुड़ता जा रहा है। जैकलीन फर्नांडिस के बाद अब नोरा फतेही पर गिरी है गाज। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज नोरा फतेही से पूछताछ हो रही है। कहा जा रहा है उनसे 6 घंटे तक करीब 50 सवाल किए गए। सूत्रों की माने तो नोरा ने पूरी तरह सहयोग दिया। पूछताछ में इससे पहले केस में ईडी एक्ट्रेसेस से 3 बार पूछताछ कर चुकी है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पूछताछ के दौरान नोरा से 50 से भी ज्यादा सवाल किए। ये पूछताछ 6 घंटों तक चली। इस दौरान उन्हें मिले महंगे तोहफों से लेकर दोनों की हुई बीच की बातचीत और कब कहां कैसे मिले ये पैसे सब कुछ पूछा गया। मीडिया सोर्सेस की माने तो नोरा ने पूछताछ में अच्छा रिस्पांस करते हुए सभी सवालों के जवाब दिए। साथ ही एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि उनका जैकलीन से कोई कनेक्शन नहीं है, सुकेश से उनकी अलग बातचीत होती थी। दरअसल ईडी की पूछताछ में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस को लग्जरी कार और महंगे तोहफे देने का खुलासा किया था। इसके बाद से ही दोनों ही एक्ट्रेसेस पर ईडी का शिकंजा कसा है। 14 अक्टूबर 2021 को नोरा और सुकेश को सामने आमने बिठा कर पूछताछ की गई। इस दौरान नोरा ने खुद 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की लग्जरी गाड़ी गिफ्ट लेने की बात कबूल की। इसके अलावा सुकेश ने उन्हें एक आईफोन 12 और गुची का बैग गिफ्ट में दिया। सुकेश चंद्रशेखर ने कहा था कि उसने नोरा फतेही को 4 बैग गिफ्ट किए थे। फतेही ने खुद उन बैग्स को पसंद किया था। इसके साथ ही पैसे भी दिए थे। मुंबई के एक मॉल में फतेही के स्टाफ ने बैग लिया था। अपने ऊपर लगे आरोपों का इनकार करते हुए नोरा ने कहा था कि उन्हें ये कार सुकेश ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी लीना मारिया ने चेन्नई में एक इवेंट का हिस्सा बनने के बदले में दी थी। तो दोस्तों 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसी नोरा फतेही के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।